सो गाइस, आज का ये कोई व्लॉग नहीं है, मेरे को एक वीडियो के बारे में बात करनी है, जो कि मेरी ही वीडियो है। साइड में आपको दिख रही होगी, जो एक्सीडेंट वाली वीडियो थी मेरे कहीं से 26 जनवरी की 27 को मैंने पोस्ट की थी वो यूट्यूब पे। तो अभी सीन कुछ ऐसा हो रखा है कि वो वीडियो वायरल हो रही है बहुत ज़्यादा, और जो हमारा सिलचर है ना, सिलचर का लोकल न्यूज़ चैनल जो है यूट्यूब में, कृष्णकांत सिन्हा सर का जो यूट्यूब चैनल है जो कि न्यूज़ कवर करते हैं, तो उन्होंने आज एक न्यूज़ बोल सकते हो न्यूज़ डाली है, जिसमें एक थोड़ा बहुत पार्ट मेरा भी है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार वीडियो, मैं आपको एक बार वीडियो दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस, ভাইরাল ভিডিও আমাদের এখানে শিলচরের পার্ক রোডে গান্ধীবাগের ঠিক সামনে, সেই গান্ধী পার্কের সামনে আর কি, সেখানে একজন যুবক সেই ক্যামেরা সরি হেলমেটে ক্যামেরা লাগিয়ে ব্লগিং করছিল। ব্লগিং করে যাওয়ার সময় পুলিশ সেটাতে ব্লকেজ করেছিল রাস্তাটা, সেখানে ব্লকেজ করা সত্ত্বেও নো এন্ট্রি করেছিল আর কি, নো এন্ট্রি করা সত্ত্বেও সেই যুবক স্কুটি নিয়ে চালাকি করে যাওয়ার সময় ছিটকে পড়ে যায় স্কুটি থেকে। সেই ভিডিওটি ভাইরাল হয়ে পড়েছে সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়াতে। দর্শকবৃন্দ, যুবকটির পরিচয় এখনো শনাক্ত করা হয়নি, মানে আমরা সেই যুবকটির পরিচয় এখনো পাইনি। দর্শকবৃন্দ, আগে কা ভিডিও তো আপনি দেখে রাখা হোক, তো ইসমে পহলি বাত মে বাতা দু ক্যা উনহোনে সন্ডে বোলা কি চালাকি করকে নিকল রহা থা। গাইস, মেরে কো আগর আপ সিলচর সে দেখ রহে হো না, तो आपको पता है उस जगह पर यूजुअली नो एंट्री होती नहीं, वन वे है। इस साइड में जा रहा था वो वन वे ही है, वो राइट साइड है। अगर आप सिलचर पे रहते हो और ट्रैवल करते हो, उस रोड पे किया होगा कभी आपने, तो वो वन वे होता है। उस जगह उस साइड कोई नो एंट्री होती नहीं, और एक्चुअली पुलिस ग्राउंड का रास्ता इस तरफ था, ये भी क्लियर कर देता हूँ। पुलिस ग्राउंड का रास्ता इस तरफ था, लेकिन मेरे को एक दोस्त के घर जाना था, तो मैं सोचा कि उसको पिक करके फिर चलूँगा। अकेला जाने में ऐसे भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं सोचा कि उसको पिक करूँगा फिर चला जाऊँगा। तो पता है क्या हुआ, जब वो एक ऑटो वाला था तो उन्होंने तो जा रहे थे ना, तो मेरे को लगा कि वो ऑटो वाले को रुकने को बोल रहे होंगे। फिर मैंने स्कूटी धीरे धीरे आगे बढ़ाई, ठीक है। तो मैं एक्चुअली क्लास से गया हुआ था उधर, और मेरे दिमाग में कुछ फ्रेश नहीं था, मैं सही बोलूँ। मैं 5:30 बजे क्लास गया था तब, सुबह सुबह दिमाग ख़राब हुआ पड़ा था, समझ जाओ। तो मैंने देखा कि पुलिस है, मेरे को लगा ऐसा ही है, 26 जनवरी थी ना, रोड पे ऐसी पुलिस होती है। तो हुआ ये कि मैं जब स्कूटी लेकर थोड़ा आगे निकला ना, तो जैसे आपने वीडियो में देखा होगा, पुलिस वाला मेरे को हाथ दे रहा था, ठीक है, जो अंकल थे वो मेरे को हाथ दे रहे थे। तो मैं तब उधर मैं थोड़ा नर्वस हो गया, मैं डर गया, सच्ची बोल मैं डर गया थोड़ा, जस्ट बिकॉज कि अभी मेरे पास कोई गोप्रो वगैरह एक्शन कैम नहीं है जो मैं अपने हेलमेट पे माउंट कर सकूं। मैं जो है जो हेलमेट होता है ना, उस पर मोबाइल लगा के मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। मैं एक्चुअली हेलमेट दिखाता हूँ, सो ये मेरा हेलमेट, ये देख सकते हैं मोबाइल वगैरह माउंट लगा हुआ है। तो मैं मोबाइल से ही ब्लॉगिंग करता हूँ अभी, मेरे पास कोई गोप्रो वगैरह है नहीं। मैं उसी चीज़ के लिए डर गया था कि मोबाइल लगा के चल रहा है ना, तो मैं इसी चीज़ के लिए डर गया था कि पुलिस वाले ये ना बोल दे कि मोबाइल लगा के क्यों ब्लॉगिंग कर रहे हो, ऐसे भी ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल यूज़ करना मना होता है जगह पे। तो मेरे को लगा ऐसा कुछ बोलेंगे, इसलिए मैं डर गया था। मैं सोचा इधर से निकल जाऊं कैसे भी, मम्मी कसम मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था बिल्कुल भी उस पॉइंट पे। सो मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी जो वीडियो देखा उसमें लिखा है कि बोला है उन्होंने कि चालाकी करके निकल रहा था, मैं चालाकी करके निकल रहा था। सर को बोलना चाहता हूँ, सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर मैं चालाकी करके निकल जाता मैं क्यों जाता उधर से, वो रास्ता दूसरी साइड से नहीं है, ये बताओ ना, दूसरी साइड से रास्ता नहीं है, किसी काम की वजह से तो मैं जा रहा था ना, और काम भी ऐसा कुछ खास नहीं था, मैं दोस्त को पिक करने ही जा रहा था। और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो पुलिस वाले बहुत अच्छे थे, मैं क्या बोलूँ, लिटरली इतने अच्छे थे। उन्होंने पहले तो मेरे को उठाया, फिर मेरी स्कूटी भी उन्होंने ही उठाई, मैंने बिल्कुल भी नहीं उठाई, उन्होंने पहले मेरे को उठाया, फिर हाथ देखा, फिर मेरे को एक मेडिकल स्टोर तक छोड़ने गए वो लोग, फिर आगे वैसे हुआ जो होता है।
मेडिकल स्टोर पे बैंडेड करके फिर थोड़ी देर बाद मैं घर आ चुका था। तो मैं सोच रहा था कि ये वीडियो डालूँ कि नहीं, क्योंकि उस पर पूरी जगह पर गलती मेरी थी, मेरे को भागना नहीं चाहिए था उधर से बिल्कुल भी। और आपने भी देखा था कि मैंने जावा वाला जो ब्लॉग था उस ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मोटो ब्लॉग करके जावा के शोरूम जा रहा था, तभी भी मैंने यही बोला था कि पुलिस वालों की तरफ कोई गलती नहीं थी, गलती जो थी वो मेरी थी। गलती का सजा हाथ पे बैंडेड हटा दिया मैंने, क्योंकि सूखने के लिए थोड़ा खुले में रहना पड़ता है ना। तो उस पर भी मैंने बोला था कि गलती जो थी वो मेरी ही थी पूरी की पूरी, मेरे को ऐसा भागना नहीं चाहिए था, अगर मैं नहीं भागता ना ये होता ना कुछ होता। तो मेरे को लगा भी नहीं था कि ये वीडियो मेरे को इतनी वायरल हो जाएगी पूरे सिलचर पे। वाले अच्छे मैं बता दूँ कैसे, मेरा एक दोस्त था ठीक है, उसने क्या किया, उसने उसका मीम बना दिया। मैं ठीक है, मैं चलो मीम बना दिया छोड़ो कुछ नहीं होगा। फिर वो एक दोस्त के उसने स्टेटस पे लगाई, फिर उसने पता नहीं किसी और ने लेके फिर स्टेटस पे लगाई, फिर ऐसे ऐसे करके सबने स्टेटस पे लगाई, तो वो थोड़ी बहुत वायरल चली गई पूरे सिलचर में। तो इसी कारण से मेरे यहाँ जो ब्लॉग था थोड़ा बहुत वायरल हो चुका, और आप देख ही सकते हो ये न्यूज़ पे आ रहा है। तो अभी मेरे को लगा कि कुछ करना होगा, नहीं तो गलत ही सोचेंगे, तो इसीलिए मैं ये ब्लॉग वीडियो बना रहा था। देखो गलती मेरी थी, मैं अभी भी कन्फेस कर रहा हूँ पूरी की पूरी गलती वो। ये पुलिस वाले ये भी बोल सकते कि आप दूसरी साइड से चले जाओ, लेकिन थोड़ा बहुत मैं घबरा गया था, नर्वस हो गया था उस पॉइंट पे, इसीलिए मैं सोचा कि निकल जाऊंगा कैसे भी करके। तो गलती पूरी मेरी ही थी। और ये बोलना चाहता हूँ कि उस जो एक्सीडेंट हुआ है मेरा, जो इंसिडेंट हुआ है, तो उसकी वजह से मैं सारे पुलिस वाले और जिनको भी ये चीज़ बुरी लगी कि मैं भाग क्यों रहा था, तो उनको मैं अपनी तरफ से सॉरी बोलता हूँ। गाइस आप सोचो कि कोई बंदा जा रहा है ठीक है, जैसे आप जा रहे हो बाइक वाइक से, और अगर आप कोई ऐसे, मेरे को पता नहीं है लीगल है कि इनलीगल है, कि आप हेलमेट पे फ़ोन माउंट कर सकते हो, कैमरा माउंट करना लीगल है, तो मेरे को पता नहीं था कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो मेरे को उतनी नॉलेज थी नहीं उस बात की, तो मैं सोचा कि निकल जाऊंगा चलो। अगर आपको वो चीज़ बुरी लगी है, जितने भी लोगों को बुरी लगी है, और जो हमारे पुलिस फोर्स है सिलचर के जो भी उधर थे, और जो अगर कोई वीडियो अभी देख रहा है, तो मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ कि गलती भाई मेरी थी। जो मेरी जावा वाली वीडियो थी उसमें भी मैंने बोला था, तो गलती भाई मेरी ही थी, तो मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ उस बात के लिए। तो कृष्णकांत सर जो न्यूज़ देते हैं रोज़, मैं उन सबको देखता हूँ, तो मैंने आज भी ये देखा है, लेकिन सर उसमें थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, जो कि मैंने अभी क्लियर कर दी है। और मैं चालाकी करके नहीं निकल रहा था, मैं उस पॉइंट पे थोड़ा सा डर गया था ठीक है, तो इसके लिए मैं सोचा कि निकल जाऊँगा, तो उसके लिए सॉरी। अगर आपको भी उस बात का बुरा लगा हो तो, और जितने भी लोग देख रहे हैं जिनको बात का बुरा लगा है, और पुलिस वालों को मैं सॉरी बोलता हूँ। आज का वीडियो बस इतने तक, और अगर आपको वो वीडियो के बारे में कुछ भी बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, माफ़ कर देना छोटा भाई समझ के। तो मिलता हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।